हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड, ओके। सो आज इस लेक्चर के साथ में हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लोकेशंस, एरिया एंड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो भारत की स्थिति है, पोजीशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली जो इंडियन ज्योग्राफी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, या इवन यूपीएससी के एग्जाम्स में। सभी जगह ज्योग्राफी को बहुत पूछा जाता है, और ज़्यादातर लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, जो कि इसमें काफ़ी चीज़ें लॉजिकल होती हैं, समझ में आती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये चैप्टर वन है। ओके, तो अब तक जितने भी मेरे इस ग्रुप को, जो चैनल है यूट्यूब चैनल, को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हर वीडियो में बताता हूँ, इससे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको आपके मोबाइल पे। ठीक है, इसके अलावा जो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस आरओ या आरओ, वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फेसबुक ग्रुप है, एफबी ग्रुप। वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरे वीडियोस हैं, इनकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूं। अगर पीडीएफ नहीं कर पाता हूं, तो पीपीटी ही एटलीस्ट मैं अपलोड कर दूं, जिससे कि आप लोग आप चाहें तो इनको अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, अब बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप वीडियो देख के रिवाइज करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसमें, है ना? और बेटर तो यही होगा कि आप वीडियो देखते हुए अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ये मेरे वीडियो लॉन्ग रन में रहेंगे, ये सिर्फ आरओ या आरओ के लिए नहीं है। जो यूपी पीसीएस की परीक्षाएं होंगी या सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, सब जगह ये वीडियोस काम में आएंगे। मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ना। तो ये जो पहला चैप्टर है, हम लोग इसमें भारत की पोजिशन के बारे में जानेंगे, भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, इसकी सीमाएं क्या है ना, अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्योंकि इस सेक्शन से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, तो जो हमारा स्थल मंडल है, जितना भी लैंड है ये पृथ्वी का, उसका 2.5% एरिया है इंडिया का। जो इंडिया का क्षेत्रफल है, वो पूरे लैंड मास का जितना भी है, उसका 2.4% है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। ओके, और कौन कौन से देश इंडिया से सब बड़े हैं? नंबर वन पे आपको रशिया मिलेगा। देखो, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताता चलूंगा, तो आप वीडियो जरूर देखिए। नंबर टू पे कनाडा मिलेगा, ठीक है? इसके बाद आपको नंबर थ्री पे यूएसए मिलेगा, इसके बाद नंबर फोर पे चाइना मिलेगा, ठीक है? और नंबर फाइव पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर सिक्स पे है ब्राजील, नंबर सेवन पे हमारा इंडिया, भारतवर्ष। ठीक है, तो ये रैंकिंग है। नंबर सेवेंथ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया आता है, और ये 2.4% है पूरे लैंड मास का। ओके, इसके बाद जो इंडिया की जनसंख्या है, वो देखिए आप, लैंड सिर्फ हमारे पास पूरे वर्ल्ड की 2.4% है, लेकिन आबादी बहुत बढ़िया है, वो 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। जितनी भी विश्व की जनसंख्या, उसका 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद हम इस भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखेंगे। अक्षांश और जो देशांतर है, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, आपको निश्चित रूप से इसका बेसिक आइडिया जरूर होगा। और वैसे तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के लिए। एक्चुअली मैं करीब महीने दो महीने पहले मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किया था, पर वो सिर्फ दो वीडियो अपलोड किए हैं उसके। ठीक है, तो उसमें मैंने लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। पूरा एनसीईआरटी से ही वो मैं उन वीडियोस को पढ़ा रहा था। वो वीडियोस मैं कंटिन्यू करूंगा, ये इंडियन ज्योग्राफी हो जाए, जो कि आरओ की परीक्षा के लिए मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद फिर से मैं ये एनसीईआरटी बेस्ड जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के, वो कंटिन्यू करूंगा। तो जिन लोगों को डाउट है, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आता है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, वो मेरे वो लेक्चर को जरूर देखें। उसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है? जो डिस्क्रिप्शन एरिया है, वहाँ पे दो वीडियोज मैंने डाले हैं, वो जरूर देखिए। उसमें आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूरी जानकारी है, और इसके बाद टाइम कैसे चेंज होता है ना, जैसे जैसे आप मूव करते हो अर्थ के ऊपर, ईस्ट या वेस्ट के डायरेक्शन में, तो जो टाइम के चेंजेस होते हैं, वो सारा कुछ आपको उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो हमारी ये पृथ्वी है उसको बीच से कट कर रही है, और ऐसे जो लाइंस होती हैं, ये सारे होते हैं लैटिट्यूड। और इसके अलावा जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जो ऐसे जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं,
ये सभी हैं देशांतर। एकदम मोटा मोटा रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो ये आप इस पिक्चर से ही समझ सकते हो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री है ना, और ये 15 डिग्री ऐसे सेंटर से बनाया हुआ है इसको कट करके बीच से, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपके लैटिट्यूड जो लेटे हुए हैं वो लैटिट्यूड, ठीक है, और जो लॉन्ग है लंबे लंबे वो है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ओके, तो जब इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया कौन से गोलार्ध में है, तो अगर आपसे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इंडिया किस गोलार्ध में है, तो आप कैसे बताओगे? आप जैसे अगर देखते हो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री चांस मिलेगा आपको इक्वेटर, ठीक है, और ये आपका ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, तो आपको इंडिया की लोकेशन कहाँ मिलेगी? कुछ यहां पर मिलेगी ऐसे करके, है ना, क्योंकि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखो 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ उत्तर एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ उत्तर, मतलब उत्तर, ठीक है, तो ये 8.4 नॉर्थ से 37.6 नॉर्थ में है। तो जैसे ये 0 है तो नॉर्थ का पोर्शन तो ये वाला रहेगा ना, नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो ये वाला है उत्तरी गोलार्ध, तो यहां से कुछ 8.4 से लेके 37.4, तो ये एक तो इधर से मिल गया नॉर्थ। इसके बाद जो हम लॉन्गिट्यूड में देखेंगे इसकी लोकेशन, तो 68.7 से कुछ यहां पर आएगा ऐसे, 68.7 से 97.25, तो ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो ये आपके किधर आता है, ये देखो ना, ये उत्तरी हो गया और ये पूर्वी हो, ये आप देशांतर के से देखोगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है ये वाला। तो इस तरीके से ये हमको क्या लोकेशन मिलती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो आपसे एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और जब आप इसके अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे तो आप इसको बिल्कुल ऐसे बाई हार्ट कर लीजिए, 8.4 से 37.6 नॉर्थ एंड 68.7 से 97.25 ईस्ट, देशांतर के मध्य मीन्स लॉन्गिट्यूड के मध्य। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे कि दोनों ही लैंग्वेजेस में स्टूडेंट समझ पाए, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। इसके बाद जो कर्क रेखा है, लाइन ऑफ कैंसर है, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, कर्क रेखा को, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो कर्क रेखा है वो लगभग बीचों बीच से गुजरती है, तो आप इस छोटा सा पॉइंट है, और सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, ये प्रश्न पूछा गया कहीं पे, तो उसको उन्होंने ये पॉइंट ऐड कर लिया, क्योंकि तो आप जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल एकदम लगेगा यार सिक्किम कहाँ ऊपर साइड में है, ये देखो कहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, तो इधर आसपास से कैसे जाएगी, है ना। एक्चुअली ये आप मैप में देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप मैप में नहीं देखते तो लगता है कहीं सिक्किम कहीं बहुत ऊपर होगा, है ना, तो आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड कर दिया। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, ओके। तो आप ये देखिए, ये भारत इंडिया का मैप है, इसमें मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आप सब पहले अपन लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, तो ये देखो ये जो लैटिट्यूड है ना यहां से स्टार्ट किया हुआ है, सॉरी, तो ये देखो 8.4 नॉर्थ, ये जो लाइन जा रही है ना, ये 8.4 नॉर्थ वाली यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये कन्याकुमारी है, यहां से इसको लिया गया है, और नॉर्थ मोस्ट कहाँ है सबसे अधिक, ये आपका आता है, इसको इंदिरा कोल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो 37.6 नॉर्थ, अगर आपसे पूछा जाए सबसे नॉर्थ कौन सा पॉइंट है, तो इंदिरा कोल, ओके, सबसे साउथ में कन्याकुमारी। इसके अलावा भी जो सबसे साउथ सबसे दक्षिणवर्ती जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, उसकी लोकेशन 6.45 नॉर्थ है, ये वाला पॉइंट यहाँ देख रहे हो, ये चीज यहाँ पे अंडमान निकोबार का लास्ट पोर्शन है, ठीक है, निकोबार आइलैंड के साउथ साउथेस्ट मोस्ट, तो ये है 6.45, बट लेते यहीं से है, ठीक है, क्योंकि मेन लैंड मास यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके। तो 8.4 से 37.6, जब हम देशांतर में आएंगे लॉन्गिट्यूड में आएंगे तो ये हो गया 68.7, ये आपके गुजरात का सबसे वेस्ट पश्चिमी पार्ट है ये, ओके, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कहाँ पे मिलता है, 97.25 ईस्टर्न यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, आप अच्छी तरह इसको समझ पा रहे हो। और ये देखो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, लाइन ऑफ कैंसर इसको बोला था मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये देखो एकदम बीचों बीच से निकल रही है, आप दिख रहा है ना आपको, ये लाइन जो जा रही है ये है ना, ये एकदम बीचों बीच से निकल रही है,
ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी होती है, 23, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन हम बात करेंगे मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे। तो होता क्या है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो है, आप उसको एक बार जरूर देखना, ठीक है? मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है, अब जरूर से जरूर उसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर ये सब चीजें बड़ी इजिली समझ में आएंगी। होता क्या है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, थोड़ी गंदी सी बना दी मैंने, तो ये प्राइम मेरिडियन होता है आपका, जो लंदन से जाता है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है? तो इसके बाद ऐसे तमाम सारे, जो 360 डिग्री है, पूरी पृथ्वी गोल है ना, तो 360 डिग्री लाइंस खींची जा सकती है ऐसे, क्योंकि 360 डिग्री एंगल है यहाँ पे, है ना? तो जैसे जैसे आप ईस्ट में जाओगे ना, तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा। तो वो कैसे बढ़ेगा, तो उसको ही हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है? तो मोटा मोटा आप समझ लो कि जो 360 डिग्री एंगल है ये, ठीक है, ये जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो पूरा घूम जाता है, मान लो यहां से स्टार्ट किया तो पूरा घूम के ऐसे आने में कितना टाइम लगता है इसको, 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है? तो 360 डिग्री घूमने में लगते हैं 24 घंटे, मतलब 1440 मिनट, इतना टाइम लगता है एक राउंड लगाने को अर्थ अपनी एक्सेस पे। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। तो ये तो बहुत मोटा मोटा आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लेती है पृथ्वी, 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है? तो जो, और जो भारत का देशांतरीय विस्तार है ना, लगभग लगभग 30 डिग्री है, आप अगर चेक करोगे यहां से 68.7 से ये 97.25, तो कम लमसम 30 डिग्री का जो है ईस्टर्न ये देशांतर में विस्तार है, ठीक है? तो जैसे आप सोचो यहाँ पे ये पॉइंट है सब, है ना? तो जब पृथ्वी घूम घूम के आएगी ऐसा, पूरा घूम रही होगी ऐसे करके, है ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे कब कितनी देर में आ जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना? आप समझ रहे हो ना कि जैसे ये हमारी इधर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, तो ये घूम रही है ऐसे अर्थ, तो ये पार्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो कितना देर लगेगा भाई, 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, है ना, 120 मिनट, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, तो भारत का देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री घूमने का समय कितना होगा, 30 डिग्री इंटू 4 मीन्स 120 मिनट, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? इसीलिए जो एक्चुअली देखा जाए तो गुजरात का जो समय है वो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे होना चाहिए, है ना? आप समझो ना यार, जैसे जब यहाँ पे मान लो 6 बज रहे होंगे, 6 AM, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो एक्चुअली जो देशांतरी विस्तार है उसके हिसाब से इसको 2 घंटे पीछे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 बज रहे होना चाहिए, है ना? यहाँ पे अंधेरा, डार्क तो होएगा ही होएगा, सपोज यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पे तो अंधेरा होगा ही होगा गुजरात में, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सन की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, सूर्य की स्थिति पे डिपेंड करेगा, है ना? तो अब देखो यार, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे जो गुजरात में बंदा बैठा है, मान लो उसका कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई अरुणाचल प्रदेश घूमने गई, ठीक है, अब यहाँ वो बोल रही है कि भाई 6 बज रहा है, मैं तुमको मैसेज भेजा, वो बोल रहा है यार 6 कहाँ बज रहा है, अभी तो 4 ही बज रहा है, तो झगड़ा हो जाएगा, तो कितना सारा डिस्प्यूट हो जाएगा अगर इन देशांतर के हिसाब से अपन टाइम को डिसाइड करने लग गए, है ना? क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन थोड़ी ना है कि यहाँ पे यहां से स्टार्ट हो रही है तमाम 30, अगर एक एक डिग्री पे लाइन बनाओ तो 30 लाइन्स होंगी इसके बीच में, तो अगर हर एक के हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट करने लग गए तब तो हो गया फिर, है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एक मानक समय तय किया गया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया। वो कैसे होगा, वो क्या होगा कि जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये वेस्ट और ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, तो इनके बीच से एक लाइन गुजारी गई, ये देखिए ये है, ये एक लाइन गुजारी गई इनके बीच से, ये जा रही है, ठीक है, तो एकदम बीचों बीच से लाइन ली गई है। ओके, तो इसको जो है इस देशांतर पे जो टाइम होगा ना, वो भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाएगा। आप समझो इस चीज को कि यहाँ पे जो मेरिडियन है इसका 22.5 डिग्री, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है? तो अब जो यहाँ पे टाइम होगा ना उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, वही टाइम इधर भी मान लिया जाएगा, वही टाइम इधर भी मान लिया जाएगा, है ना? एक्चुअली देखा जाए तो ये टाइम सिर्फ यहाँ इस देशांतर पे ही सबसे ज्यादा करेक्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इनको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको मैनेज करना पड़ेगा,
और इस तरीके से एक पूरे देश के अंदर एक सेम टाइम जोन हो जाएगा, एक है ना, एक सेम टाइम जोन रहेगा। तो इसलिए ये मानक समय का लाइक ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। इवन जो कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा, सपोज ऐसे हैं वो, मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ तो हम लोगों को सिर्फ 30 डिग्री आया है, सपोज यहाँ पे 150 डिग्री का विस्तार है। अब अगर 20 से करेंगे ऐसे तो अब भी बहुत ज्यादा टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, है ना, 75 डिग्री इधर से, 75 डिग्री इधर से, तो बड़ा ही डिफरेंस आ जाएगा। तो वहां पे ना कई सारे टाइम जोन में उसको डिवाइड कर दिया जाता है ऐसे, है ना। तो जैसे जो रसिया है, रूस है, उसमें 11 टाइम जोन है ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इधर इधर उसमें देशांतरीय विस्तार है। ओके, आपको सब समझ में आ रहा है ना, आई होप। ठीक है, तो जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, वो कहाँ से है, 22.5 डिग्री ईस्ट में जो देशांतर गुजरती है नैनी से, इलाहाबाद के पास जगह है नैनी, तो वहां से गुजरने वाला जो देशांतर है उसको मानक समय के रूप में तय किया गया है। आपको ऑप्शन नैनी मिल सकता है और आपको ऑप्शन में इलाहाबाद भी मिल सकता है, ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका मेन मानक समय देशांतर, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 82.30 ईस्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो मेरिडियन है, ये जो आ रहा है, वो किन किन स्टेट से गुजरता है, ठीक है। तो देखो, मैं ऐसे तो लिख भी सकता था यहाँ पे सब चीजें, लेकिन एक बार आप देखते हो ना पिक्चर में तो चीजें बड़ी इजिली याद होती हैं, और मेरा पूरा प्रयत्न यही है कि आपको चीजें याद हो जाए, समझ में आ जाए। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, आपको एंशियंट हिस्ट्री में, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, या जो करंट के वीडियोस बताता हूँ, तो मेरा एक मेन फोकस होता है कि मैं आपको रटाऊ ना, कुछ भी रटने के लिए ना बोलू, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझो यार, बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो, अथाह समंदर है, कितना रट हो गया, रटने से नहीं हो सकता, रट के आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस में नहीं निकाल सकते हो, ये भी सुन लो। क्योंकि जब आप मेंस में अगर रट के जाओगे ना, तो सब लोग एक ही जैसा रटा हुआ आंसर लिखेंगे, तो वहां पर वो खेल हो जाएगा। अगर आप चीजों को समझते हो ना, तो आप अपने शब्दों में, अपनी फीलिंग्स में आंसर को एक्सप्रेस करते हो मेंस के अंदर, तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए मैं आपका बेसिक बेस ही है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग करके ले चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पिक्चोरियल फॉर्म में चीजों को बहुत ऐड करता हूँ अपने वीडियोस में। ओके, तो ये जो मेरिडियन है, ये 5 स्टेट्स में से गुजरती है। आप देखो यहाँ से, ये आप इंडिया का मैप तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, कौन 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 से स्टेट किस किस स्टेट्स की बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मेरिडियन की ही बात करेंगे। तो ये देखो, इलाहाबाद से इधर से निकलती है, तो यूपी हो गया एक पहला। ओके, इसके बाद दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, ये लाइन ठीक से बनी नहीं है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का पार्ट भी ये टच करती है इसमें, ठीक है। तो सेकेंड इज मध्य प्रदेश, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़, इसके बाद यहाँ पे ये उड़ीसा मिलेगा आपको, उड़ीसा, ठीक है, तो ये आपको उड़ीसा मिल जाएगा। इसके बाद ये आपका इधर आ गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 स्टेट्स में से ये जो मेरिडियन है ये गुजरता है, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे झारखंड पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो झारखंड से नहीं गुजरती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ये 5 स्टेट है, इनको आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, तो लंदन तो चूंकि प्राइम, जो प्राइम मेरिडियन है जो है ना, वो तो 0 डिग्री है, वो लंदन से गुजरता है, ठीक है, ग्रीनविच, लंदन से गुजरता है ग्रीनविच लाइन। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो मानक स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। तो इसी को आप कैलकुलेट कर लो, इतना देशांतरी विस्तार है इंटू 4, क्योंकि एक एक डिग्री को घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट, ठीक है। तो 82.5 को कितना लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 मिनट आएगा, मतलब 5.5 घंटे आगे है। तो भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, समझ रहे हो ना। अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 PM हो रहा है अगर, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा उस टाइम, 5.5 बज रहे होंगे शाम के, ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, तो ये रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये भारत तथा कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका क्या है, उससे भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो लगभग बीचों बीच से गुजरती है इंडिया के, ठीक है, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
तो आठ राज्य कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे, मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले ये गुजरात, ठीक है, पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात। गुजरात का राजस्थान का ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा हिस्सा ऐसे आता है, तो वो राजस्थान को भी कट करती है, तो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है ना। तो राजस्थान से निकलती है, इसके बाद मध्य प्रदेश में बिल्कुल डाउट नहीं होगा। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश के बाद देखो यहाँ पे ना, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, अजीब लाइक कुछ कुछ एकदम हो रखा है यहाँ पे। तो आप समझ लो ये मध्य प्रदेश के बाद झारखंड में भी जाती है और छत्तीसगढ़ भी जाती है, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ जाएगी, फिर झारखंड को कट करेगी, और ये बिहार से नहीं जाती है, मेक श्योर। इसके बाद ये झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में ये दो स्टेट्स को कट करती है, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, ठीक है। तो ये जरूर दो याद रखिएगा, यहाँ पे कई बार लोग मणिपुर ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में है दो स्टेट्स को, जिनको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है, और टोटल आठ स्टेट्स हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके बाद जो रांची है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रांची, ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो आंसर इज रांची, ओके। इसके बाद भोपाल और गांधीनगर, ये दो ऐसे कैपिटल हैं स्टेट्स की जो निकटतम राजधानियां हैं, भोपाल और गांधीनगर, जो कि कई बार ऐसे चार पांच ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चार ऑप्शन देके पूछा जाएगा कौन नियरेस्ट है कौन दूर है, तो वो आपको थोड़ा सा मैप पे ध्यान देके समझना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी भूगोल पढ़िए, जब भी ज्योग्राफी पढ़िए, तो आपके पास एटलस होनी चाहिए, और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ ना, आप मैप में जरूर देखते जाओ, क्योंकि बहुत लोग आलस करते हैं, तो मैं ही एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के जब वीडियो बनाता हूँ, तो ये बहुत सारे जो मैप वगैरह हैं ये ऐड कर लेता हूँ, जिससे आपकी थोड़ी आदत बने। देखो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और आप बिना मैप के पढ़ रहे हो, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये मैप जरूर देखते रहिएगा, यहाँ पे भी और खुद से भी, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई की तुलना में जो बेंगलुरु की पोजीशन है वो अधिक दक्षिणवर्ती है। आप देखो ना, आप जैसे एकदम से अगर गेस करने जाओगे, तो आपको लगेगा कि चेन्नई ज्यादा साउथ में है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट था, डिस्प्यूट नहीं बोलेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। तो बेंगलुरु ज्यादा दक्षिणवर्ती है, ठीक है, क्योंकि देखो आप जब मैप में देखोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, पर जैसे ये आपका बेंगलुरु है, तो आपको यहाँ पे चेन्नई हल्का से यहाँ मिलेगा ऐसे। ओ, तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत की सीमाएं, तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे, तो जो स्थलीय सीमा है, तो जो ये जो है ना, ये जो पूरी सीमा आ रही है इंडिया की, यहाँ से ये पूरी स्थलीय सीमा है, ठीक है। तो ये कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा है, लैंड की जो लैंड बाउंड्रीज है वो है 15,200 किलोमीटर, और ये सात देशों को टच करती है। सात देश हैं जिनको इंडिया की बाउंड्री टच करती है, वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, देखो यहाँ पे टच कर रही है, ये देखो ये अफगानिस्तान है, ठीक है, और ये पोर्शन जरा सा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान को टच करती है, और वो भी कहाँ? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को टच करती है, इंडिया को डायरेक्टली टच नहीं करती है, पीओके को टच करती है। तो हम इसको, चूंकि पीओके को अपना पार्ट मानते हैं, तो अफगानिस्तान को हम अपना नेबरहुड में जगह देते हैं। तो अफगानिस्तान है सेकेंड, तीसरा है हमारा नेपाल, ओके, देन चाइना है, यहाँ भी टच करती है, पूरा चाइना, पूरा ये सब चाइना है, चाइना, और इधर भी बहुत सारा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया चाइना के साथ में। इसके बाद भूटान, भूटान यहाँ पर है, भूटान को टच करती है, देन बांग्लादेश, सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री इंडिया टच करती है वो करती है बांग्लादेश के साथ में। जिसको पता नहीं है वो बिल्कुल भी चाइना मार के आएगा बिंदास, है ना, आपको ऐसे लगेगा कि चाइना से सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करती है इंडिया, पर ऐसा नहीं है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया। और सेवेंथ इज म्यांमार, ठीक है, ये आपका म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ओके। तो ये आपने देख लिया मैप में, आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। और वैसे आपको अगर नहीं याद रहता, तो फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, ट्रिक है, बचपन में बीए, ठीक है,
तो बचपन में बीए से बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। आई होप कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसी मिली तो मैंने डाल दी। जो इतना अच्छे से मैप में हमने कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं उनका लेवल इतना कम होगा कि ये मैप ना याद कर सके। ठीक है, ओके। खैर, बचपन में बीए के द्वारा भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम तटरेखा की बात करेंगे, जो ये कोस्टल लाइन है ना। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री जो कुछ भी है इंडिया की, वो है 6,100, मतलब 6,100 किलोमीटर। ये कौन सी है? ये वाली, मतलब यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये जो कोस्टल लाइन है एकदम अच्छी वाली है ना, ये आपकी यहां तक आपकी है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। पर जो हमारे ये है ना, आइलैंड्स भी हैं तमाम हमारे पास, अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इन सब की अगर आप कोस्टल लाइंस को ऐड करोगे तो जो आती है वो 7,516 किलोमीटर आती है ना। अगर द्वीप को भी इंक्लूड करते हो तो 7,516 किलोमीटर है, अगर आप सिर्फ जो हमारा भारत का जो ये पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, उसकी अगर ये कोस्टल लैंड देखते हो, कोस्टल लाइन, तो 6,100 किलोमीटर है। तो जब दोनों का पूरा सारी सीमा आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 15,200 ये आपके लैंड से आती है, 7,516 ये कोस्टल है, इनको जब आप ऐड करोगे तो 22,716 किलोमीटर टोटल सीमा इंडिया की। ये सभी यूपी पीसीएस जैसी एसएससी परीक्षाएं होती हैं, जो स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरीके के डेटा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पर मुझे यूपी पीसीएस, यूपीएससी में आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मगर जो स्टेट स्टेट पीसीएस हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, 22,716 किलोमीटर टोटल सीमा है, टोटल बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है, इसके बाद 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास उनकी तटरेखा है, ठीक है, जिनके पास उनकी कोस्टल लाइन है, वो 9 राज्य कौन से हैं? पहला गुजरात, ठीक है, गुजरात। इसके बाद आप आते जाइए महाराष्ट्र, सीरियल से देखिए, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद आपको ये मिलेगा गोवा, ठीक है, गोवा, देन कर्नाटका, इसके बाद केरला, ठीक है, फिर तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। ओके, इसके इसमें अभी तो आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया, तेलंगाना आ गया इधर से ऐसे, तो तेलंगाना एकदम लैंड लॉक है, वो कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है उसके पास, तो कोई भी चेंज हुआ नहीं वैसे। इसके बाद ओडिशा आ गया और ये फिर वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से 9 स्टेट्स हैं जिनके पास इनकी खुद की तटरेखा है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसके पास है? गुजरात के पास, ये बहुत पूछा जाता है, नंबर 1 पे है ना। इसके बाद नंबर 2 पे किसके पास है? वो है आपके आंध्र प्रदेश के पास में, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है, और नंबर 3 पे तमिलनाडु है। ठीक है, नंबर 3rd पे तमिलनाडु आती है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये काफी, ये देखो, ये गुजरात है नंबर 1 भी, तो सभी को पता होता है, लेकिन ये नंबर 2 नंबर 3 भी आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, और सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री किसके पास है? गोवा के पास, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो आपको बिल्कुल जानने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो, ये भी एक मैप मिला था मुझे, तो ये पूरा आपका जो गुजरात का कोस्ट है, इसको काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। देन ये पूरा यहाँ से, ये जो गोवा तक का है, ये महाराष्ट्र से लेके, ये कोंकण कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका कर्नाटका का जो कोस्ट है उसको कन्नड़ा कोस्ट बोलते हैं। देन ये कन्याकुमारी कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने इसको अपलोड कर दिया है। देन हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर है, वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, पीओके है, वहां पे ये टच करता है। इसका चाइना कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है? यहाँ देखिए आप, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट्स को टच करेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश की। देखो, बांग्लादेश का बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे ना नॉर्थ ईस्ट में बहुत, ये हम लोगों को कई बार ठीक से नहीं पता होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, सभी को पता है। मिजोरम को टच करता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं,
ठीक है, मेघालय को टच करता है, बिल्कुल पता होगा गारो खासी जनतिया वहीं पे हिल्स हैं सारी। इसके बाद त्रिपुरा को टच करता है, वो भी तीन साइड से, त्रिपुरा को तीन साइड से बांग्लादेश ने घेर रखा है और आसाम को टच करता है। ठीक है, तो ये पांच स्टेट्स हैं जिनको बांग्लादेश टच करता है। आप बहुत गहराई से इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल है ना। इसके बाद यहाँ पे ये त्रिपुरा मिलेगा आपको, त्रिपुरा को टच करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मेघालय मिल जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा पोर्शन ही देखिए, यहाँ पे आसाम को टच करेगा, यहाँ पे आसाम को टच करेगा और इधर आसाम को टच करेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आके ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखो मिजोरम को टच कर रहा है। तो इस तरीके से पांच स्टेट्स को बांग्लादेश टच करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। देखो चाइना तो आप बता ही दोगे, पर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा। भूटान है, भूटान में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, क्योंकि वेस्ट बंगाल को लेके कंफ्यूजन होती है। तो वेस्ट बंगाल भूटान को टच करता है, क्योंकि देखो ना, जो वेस्ट बंगाल है ना, वो देखो इसकी शेप ऐसी, यहाँ से आके ये जो पोर्शन जाता है ना, यहाँ से ऐसे आके, और ये चिकन नेक जो है बोलते हैं इसको, यहाँ पे टच करती है यहाँ इस जगह भूटान को, ठीक है। तो ये भूटान वेस्ट बंगाल को टच करता है, सिक्किम को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है और आसाम को। तो चार स्टेट्स को भूटान टच करता है, ठीक है। देन म्यांमार को, ये अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी बाउंड्री म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है। देन नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ओके। नेपाल के साथ में बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। और पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इसको हिमाचल प्रदेश नहीं है, है ना। तो यहाँ पे इस पे ध्यान देना है आपको। तो फोर स्टेट्स के साथ पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। तो आप इस मैप में आप देख सकते हो, पाकिस्तान के साथ में गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और चीन के है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाउंड्रीज मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा तीन तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों से सीमा बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका जो जम्मू जम्मू कश्मीर है जे एंड के, वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम भी तीन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से? चीन के साथ में शेयर करता है, नेपाल के साथ में शेयर करता है और भूटान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ओके। और इसके बाद जो आपका वेस्ट बंगाल है ना, ये स्लाइड छूट गई मुझसे, इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था कहीं पे। तो जो वेस्ट बंगाल है, ये भी तीन कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश, ठीक है, देन नेपाल के साथ में और भूटान के साथ में, ठीक है। तो ये आप अपने पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। तीन स्टेट्स ऐसे हैं जो तीन कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसमें आपको अक्षांशीय विस्तार के बारे में बता दिया, क्षेत्रफल के बारे में बता दिया है और जो उसकी बाउंड्रीज थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके पास ये लाइक वीडियोज में सेव रहेगा। लाइक करने से आपको भी थोड़ा फायदा रहेगा, दोबारा आपको वीडियो ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप जहाँ पर ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप्स पे अगर इसको शेयर करते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। जो आपके जो ग्रुप्स होंगे, स्टडी ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया सब्सक्राइब। इसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप RO/RO के लिए और UPPCS की परीक्षाओं के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिलता है और ये PDF भी मैं कोशिश करूँगा कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की PDF भी अपलोड कर दूँ। अभी तक जो करंट और हिंदी के वीडियो डालता हूँ तो उसकी PDF तो मैं अपलोड करता ही हूँ, देखूंगा अगर ये, चूंकि अभी मैं प्रॉपरली नोट्स नोट्स बना के लिख ही रहा हूँ, तो इनको भी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये भी अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है। और आपको कोई डाउट होता है वीडियो को देखने बाद में, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप मुझे कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ओके। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।